उस समय जिस बच्चे ने थोड़ी गर्दन नीचे करके अपना डिसिप्लिन के साथ लगा रहा, वो आज के दिन एक अच्छी लाइफ जी रहा है। अच्छी इन द सेंस सब यार 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं जब जॉब लग जाती है, पर कुछ लोग वो काम करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, देर आर इनफाइनाइट वेज टू बिकम सक्सेसफुल, बट देर आर सम फाइनाइट वेज जिनसे आप फेल हो सकते हो। सक्सेसफुल होने के यार अनगिनत तरीके हैं, ठीक है। अगर मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है तो मैं बस पकड़ के जा सकता हूँ, मैं गाड़ी पकड़ के जा सकता हूँ, मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं साइकिल से जा सकता हूँ, मैं हवाई जहाज से जा सकता हूँ, ठीक है। मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिली तो मैं थोड़ा घूम घूम के हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में से, पर एंड में पहुंच जाऊंगा। इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं आपके सक्सेसफुल होने के, पर आपके फेल होने के कुछ फाइनाइट गड्ढे होते हैं जिनसे आपको बचना होता है। इस जेई प्रिपरेशन में वो गड्ढे हैं आपके कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा मोबाइल, जिसमें कुछ ऐप्स हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे यार जो भी पोस्ट होता है, आपके दोस्त हैं, किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहन के डाल दिए, कोई इधर उधर घूम रहा है, ये सब यार आर्टिफिशियल है। इन द सेंस कि जब मैं 10वीं क्लास में होता था तो मैं DPS वसंत कुंज में था, फिर 11th-12th में RK Puram में था, तो यहाँ पे मैं राजस्थान का हूँ, पर इधर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बहुत पोस्ट टाइप भी होते थे, तो मैं इनकी फोटो देखता था, लगता था यार अरे यार ये तो क्या मस्त अच्छी जगह घूम रहे हैं, ओहो ये तो मॉल गए हैं, ओहो ये तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर अब आप उन्हें 5-6 साल बाद देखोगे तो देखता हूँ कि यार वो चीज़ें मैटर भी नहीं करती थी। उस समय जिस बच्चे ने मेहनत कम करी उसको आज के दिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। उस समय जिस बच्चे ने थोड़ी गर्दन नीचे करके अपना डिसिप्लिन के साथ लगा रहा, वो आज के दिन एक अच्छी लाइफ जी रहा है। अच्छी इन द सेंस सब यार 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं जब जॉब लग जाती है, पर कुछ लोग वो काम करते हैं जिनमें उनका मन होता है, उनकी इज्जत ज्यादा की जाती है और उनको यार अच्छा मन लग रहा होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, मोबाइल वगैरह की डिस्ट्रैक्शन को काट देना है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, ठीक है। और मेरे पापा कहते थे, क्योंकि मैं लड़का था, कि 3 चीजों से दूर रखना, विमेन वाइन एंड वेल्थ, ठीक है। तो वैसे ही आप साइंस के बच्चे हो, ठीक है, तो वुमेन तो वैसे ही दूर हो जाती हैं, फिर भी आपको भागना नहीं है। ध्यान रखो हर चीज़ का एक टाइम होता है, किसी चीज़ का यार नशा नहीं करना, और नशे में फिर से मोबाइल ऊपर आता है, बाकी तो है ही नहीं। किसी और को मत नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है, आपके अंकल क्या कर रहे हैं, उन अंकल का बेटा क्या कर रहा है, आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपकी दोस्तनी क्या कर रही है, सबको अपना काम करने दो। बस ध्यान रखना आपका एक कमरा है, हर व्यक्ति को स्ट्रगल करनी पड़ती है, घिसाई करनी पड़ती है। जैसे फौज में भी आप जाते हो तो शुरुआत के 6-8 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कीचड़ में से आपको रगड़वाया जाता है, ये आपका वो फेज है। इट इज़ हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू, अभी कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, पर फिर भी अगले 6-8 महीने आपको रगड़ना है, ठीक है। इससे ज्यादा मेहनत और कभी नहीं होगी, मतलब अन्य जेई दिया, नीट दिया, उस टाइम बच्चा 10-12 घंटे पढ़ता है एक ऐसी चीज जिसमें उसका मन भी नहीं लगता, उसको अपनी वो लैला बनाने की कोशिश करता है। कॉलेज में आप आते हो, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो इस प्रकार की मेहनत नहीं होगी जैसे जेई नीट की है, पढ़ाई वाली मेहनत नहीं होगी, वो भाग दौड़ वाली मेहनत होगी। जॉब में जाओगे तो भाग दौड़ वाली मेहनत और बढ़ जाएगी, पता चला 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हो पर बैठ के किसी चीज़ को रटना नहीं पड़ रहा, क्लाइंट के साथ आप बात कर रहे हो और चीज़ें हैं। तो इस फेज को अगर आपने निकाल दिया तो यहाँ से आपकी मसल्स बन जाएंगी जिनसे आप जिंदगी के बाकी सारे जो दिक्कतें हैं उनको भी यार देख पाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस को काटना है, जो बीमारी जो हर्डल बन रही है आपकी उसको यूं देख लेना यार कि इसके तो फेस पे बर्बादी लिखा है, इस व्यक्ति से अगर मैं बात करूंगा क्या इस व्यक्ति से बात करके मेरे जेई में एक नंबर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा तो मैं इससे बात नहीं कर रहा, ठीक है।